नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली RCB के ऊपर। दोस्तों, RCB टीम को अपने पांचों मुकाबले में जो है हार झेलनी पड़ी है। चेन्नई की टीम ने RCB को यहां पर 69 रनों से करारी हार दी है। जी हाँ दोस्तों, RCB टीम की इस मैच में ना तो गेंदबाजी चल पाई और ना ही बल्लेबाजी। हालांकि गेंदबाजी जो है काफ़ी हद तक ठीक हुई थी, मगर दोस्तों आखिर के ओवर में जो हर्षल पटेल ने 37 रन दे दिए, जिसकी वजह से RCB टीम को यहाँ पर इस मैच में हार झेलनी पड़ी। इस मैच में RCB टीम के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा साबित हुए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने चेन्नई टीम की पारी के 20 ओवर में 37 रन बना डाले। जी हाँ दोस्तों, हर्षल पटेल ने इस ओवर से पहले काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, मगर वो पारी के आखिरी ओवर में 37 रन दे दिए। जडेजा ने इस ओवर में जो है 5 छक्के लगाए। ऐसे में दोस्तों जडेजा जो है दूसरे से बल्लेबाज हो गए जिन्होंने एक ही ओवर में 37 रन बनाए हों IPL में। जडेजा ने इस मैच को पलटा और जडेजा जो है यहाँ नहीं रुके, वो गेंदबाजी में भी कमाल की गेंदबाजी किए। जडेजा ने ही RCB टीम को जो है 2 बड़े झटके दिए, जहाँ पर उन्होंने पहले मैक्सवेल, इसके बाद जो है डिविलियर्स को आउट किया। इसके पहले उन्होंने सुंदर का भी विकेट लिया था। जडेजा ने इस मैच में जो है 3 विकेट भी हासिल किए, इसके साथ ही 1 रन आउट भी किया। तो ऐसे में दोस्तों जडेजा की वजह से यहाँ पर RCB टीम को हार झेलनी पड़ी। जडेजा वर्सेस RCB टीम का मुकाबला चल रहा था अगर हम सही मायने में देखें तो। तो दोस्तों, इस मैच के बाद RCB टीम से यहाँ कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाइयों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोजाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुँचते रहे। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसे भी आपसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको RCB टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहती है। बाई चांस RCB टीम से जुड़ी अपडेट्स नहीं भी आती, तो वहाँ पर आपको क्रिकेट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो डेली मिलती रहेंगी। तो भाइयों, उसे भी जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करें इस मैच के हाल की, तो चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए 4 विकेट खोकर। 192 रन RCB टीम को चाहिए थे। दोस्तों, RCB टीम की तरफ से यहाँ पर हर्षल पटेल ने पहले अच्छी गेंदबाजी की थी 3 ओवर में, लेकिन चौथे ओवर में जब उन्होंने 37 रन दिए, तो उनका आंकड़ा जो है बेहद ख़राब हो गया। हर्षल पटेल ने यहाँ पर दोस्तों 4 ओवर किए, 3 विकेट हासिल किए, मगर 51 रन दे दिए। वहीं दोस्तों सिराज को यहाँ पर विकेट नहीं मिला, मगर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। जमेश ने 3 ओवर किए, 31 रन दिए। वहीं चहल ने 3 ओवर के 24 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। नवदीप सैनी ने यहाँ पर 2 ओवर के 27 रन दिए, जबकि दोस्तों यहाँ पर क्रिश्चियन ने 2 ओवर किए 12 रन दिए। सुंदर ने भी 2 ओवर के 13 रन दिए। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई टीम की तरफ से वहाँ पर गायकवाड़ ने पहले 33 रन बनाए, इसके बाद दोस्तों डुप्लेसिस ने 50 रनों की शानदार पारी खेली। रैना ने 24 रन बनाए, जबकि रायडू ने 14 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों जडेजा ने भी वहाँ पर 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी वजह से चेन्नई की टीम जो है 191 के स्कोर तक पहुँच पाई। तो दोस्तों इसके बाद जो RCB टीम के बल्लेबाज यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए, पहले जो है पड्डिकल और कोहली ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने ही पहले विकेट के लिए वहाँ पर दोस्तों अच्छे खासे रन जोड़े, लेकिन इसके बाद जो है पहले विराट कोहली आउट हुए 8 रन बनाकर। इसके बाद दोस्तों पड्डिकल भी वहाँ पर जल्दी आउट हो गए 34 रन बनाकर। सुंदर भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे, मगर कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 7 रन बनाकर आउट हो गए। मैक्सवेल ने दोस्तों वहाँ पर 22 रन बनाए, AB ने 4 रन बनाए, क्रिश्चियन ने 1 रन बनाया, जबकि जमेसन ने 16 रन की पारी खेली। RCB टीम का यहाँ पर कोई बल्लेबाज जो है देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाया और लगातार जो है विकेट्स गिरते रहे, जिसकी वजह से RCB टीम को इस मैच में हार झेलनी पड़ी। तो भाइयों, इस मैच के बाद अब हमें अगले मैच में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां पर दोस्तों RCB टीम जो है कुछ बड़े खिलाड़ियों को वहां पर बाहर कर सकती है। शाहबाज अहमद के अगले मैच में एक बार फिर से एंट्री हो सकती है RCB टीम में। वहीं भाइयों, RCB टीम यही चाहेगी कि वहां पर कुछ अच्छे खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, जो कि RCB टीम के लिए कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर सके, और खासकर नंबर 3 पर एक ऐसा बल्लेबाज खिलाया जाए जो कि टीम के लिए अच्छे खासे रन कर सके। नंबर 3 की परेशानी जो RCB टीम के लिए वहां पर बढ़ती ही जा रही है। वहीं दोस्तों दूसरी अपडेट यह है कि टीम जो है फिलहाल दूसरे स्थान पर आ गई है अंक तालिका में, पहले स्थान पर चेन्नई पहुंच गई है। इस मैच से पहले RCB टीम जो है पहले स्थान पर काबिज थी, मगर इस मैच के हार के बाद जो RCB टीम का रन रेट थोड़ा सा गिर गया, जिसकी वजह से वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं और चेन्नई का रन रेट जो है हाई हो गया है। तो भाइयों, अब RCB टीम जो आने वाले मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करेगी, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वानखेड़े में जो है अब मैचेस नहीं होने वाले हैं। अगला मुकाबला RCB टीम को अहमदाबाद में खेलना है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे कुछ बड़ी अपडेट्स RCB टीम से जुड़ी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।